होय 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 मचावा कके चकाओ मेरे से यू लॉन्ग दिस इट इज फ्रिज में रखना है। अभी ये सारा मक्खन वाला मसाला लाल गरम मसाले का उसको सारा लपेट देना अच्छे से दोनों चिकन में, ठीक है, ऐसे करके सारा बना देना। सारे चिकन में लगा देना सिल्वर फॉइल, नीचे पत्ता, बीच में पत्ते की डंडी काट देना, नहीं तो सिल्वर फॉइल फट जाएगा, ठीक है। हार्ड है तो काट देना, वैसे हार्ड ही होगी। बस उसमें एक ही चिकन रख के इसको फोल्ड करेंगे, बस उसको फोल्ड करना है सिल्वर फॉइल, समझिए। ठीक है, इसको और दो तीन सिल्वर फॉइल से अच्छे से इसको पूरा फोल्ड कर देंगे, ठीक है। इसको दो तीन फोल्ड करना है, रैप ऐसे रोल कर देना, ठीक है। सारा दोनों को लपेट दिया मैंने, ठीक है। अगर आपका कुकर बड़ा है तो उसमें नमक डाल के इसको जैसे ओवन बनाते हैं वैसे ही करना है। अगर कुकर छोटा है, दोनों चिकन फिट नहीं हो रहा है, तो आप खुली कढ़ाई में नमक डाल के इसको 45 मिनट के लिए इसको पकाना है ढाप के, ठीक है। 20 मिनट के बाद इसको पोजीशन चेंज करना है। अगर आपने पहले ऐसे रखा है, बाद में इसको फिर से ना पलटा के एक बार रख देना है 20 मिनट के बाद, दोनों को सेम करना है, ओके। ऐसे नमक डाल के इसको फैला देंगे, ठीक है। नमक को फैला दिया हमने, ठीक है। चिकन को जिस साइड ब्रेस है उस साइड से रखना है, एक ब्रेस नीचे चला गया, एक ब्रेस ऊपर आ गया, सेम उसको चिकन पे ऐसे करना है, ठीक है। तो दोनों चिकन कढ़ाई में गए हैं, बस इसको ढक्कन ढाप के गैस को ऑन कर देना है, 45 मिनट इसको पकाना है, 20 मिनट में एक बार इसको टर्न करना है ताकि दोनों साइड से अच्छे से पक जाए।
अभी क्लोज, फ्लेम फुल रखना है और उसको ऐसे ढाप के बेसिकली इस ओवन, ठीक है। तो मैंने पूरा निकाल लिया ऊपर से, एक परत भी उसके ऊपर जो की हटा दी मैंने, क्योंकि सॉल्ट अंदर ना आ जाए, ठीक है। देख के ध्यान से एक मिनट, अंडरस्टैंड हो बेटे, यहां से डस्टर।